दोस्तों आप जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ मुंबई। दोस्तों ये इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड की नंबर वन पे आती है क्योंकि इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा काम भी होता है लेकिन कुछ ऐसे गंदे काम भी होते हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी हीरोइन जो शादी से पहले ही माँ बन गई थी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर हम बताना चाहेंगे आपको कैटरीना कैफ। दोस्तों कैटरीना कैफ को के बारे में आपने सुना ही होगा। कैटरीना कैफ का अफेयर रणबीर कपूर और सलमान खान के साथ चलता रहा। इसके बाद जब इसको 2-3 बार हॉस्पिटल में जाता देखा कि और फिर मीडिया ने डॉक्टरों से बात की कि ये यहाँ पर क्यों आती है, 2-3 बार आ चुकी हैं लगातार, तो डॉक्टरों ने बताया कि ये अपना अबॉर्शन कराने आ रही हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कैटरीना कैफ का सलमान खान के साथ भी अफेयर था और रणबीर कपूर के साथ भी, लेकिन ये बच्चा किसका है ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि दोनों में से किसका बच्चा होगा। दोस्तों नंबर 2 पर हम बताएंगे आपको सारिका। सारिका श्रुति हसन की माँ और कमल हसन की पत्नी। दोस्तों कहा जाता है कि सारिका को 2 साल की लड़की थी जब कमल हसन ने शादी की। सब कह रहे थे कमल हसन ने शादीशुदा से शादी की है, लेकिन कमल हसन ने एक बार बताया कि ये लड़की मेरी ही है, किसी कारण हम 2 साल तक शादी नहीं कर पाए जिसकी वजह से मैं अब शादी कर रहा हूँ, क्योंकि श्रुति हसन के पैदा होने के बाद श्रुति हसन की माँ सारिका और कमल हसन ने शादी की थी। दोस्तों 3rd नंबर पर हम आपको बताएंगे महिमा चौधरी। बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है जिसको, उसकी बात कर रहे हैं हम। दोस्तों इसका चक्कर कहा जाता है कि अफेयर था बहुत ज़्यादा सुभाष घई के साथ, और यही नहीं काला धन में भी इसका लफड़ा पाया गया। लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही इसको लड़की हो गई, और कहा जाता है कि बाबी मुखर्जी से शादी करने के बाद 5 महीने बाद जब लड़की हुई तो इसने इंटरव्यू में अपने बताया कि अगर मुझे शादी से पहले भी लड़की हो जाती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों इसके बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सुभाष घई की लड़की थी या बाबी मुखर्जी की थी, ये किसी के समझ में आज तक नहीं आया। दोस्तों आगे चलते हैं हम बॉलीवुड की हवाई के नाम से जाने जाने वाली श्रीदेवी। हालांकि जो आज के समय में इस दुनिया में नहीं है, जो कि बॉलीवुड में अपने जलवे बिखेर चुकी हैं बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड के अंदर काफ़ी सारे हीरोज़ डायरेक्टर के साथ श्रीदेवी का संबंध चल रहा था, उसके बाद बोनी कपूर के साथ भी संबंध था श्रीदेवी का। तभी आनंद फानंद में जब शादी करनी पड़ी क्योंकि श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई, किससे प्रेग्नेंट हुई ये नहीं पता। हालांकि बोनी कपूर ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर और श्रीदेवी से शादी कर ली, और उसके ठीक 6 महीने बाद पहली लड़की पैदा हुई जिसको आज के टाइम में जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको कोकणा सेन शर्मा। कोकणा सेन शर्मा का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन ये भी पहले से ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी रणबीर सॉरी ने इससे शादी की क्योंकि शादी से पहले ये प्रेग्नेंट थी। हालांकि आज के समय में डाइवोर्स हो गया है, लेकिन ये इसकी एक लड़की है और ये अपनी लड़की के साथ ही रहती है, और इसका डाइवोर्स हो चुका है, ये भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर कितना घटिया काम चलता है। लड़कियां आती हैं, हीरोइन अपने लालच चक्कर में, मज़े के चक्कर में कहीं से भी किसी से भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं क्योंकि सबसे मज़े लेती रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।